राज्यसभा सांसद मनोज झा जी, तिरुपति के विधायक रामविलास पासवान जी, राष्ट्रीय जनता दल के युवा के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेल जी, भागलपुर के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष तिरुपति जी, मोहम्मद चांद जी, रजिया खातून जी, अर्जुन जी, महागठबंधन में जितने भी दल हैं, कांग्रेस पार्टी, हम, रालोसपा, वीआईपी पार्टी, सब लोगों के कार्यकर्तागण, नेतागण, मीडिया के दोस्तों, अभिभावकगण, नौजवान युवा साथी, ये चुनावी जनसभा है और इस चुनाव में हम आप लोगों के बीच आए अपील कर दें कि ये जो चुनाव है ये किसी व्यक्ति के जिताने का चुनाव नहीं, ये किसी पार्टी को जिताने का चुनाव नहीं, ये चुनाव किसी गठबंधन को जिताने के लिए नहीं है, लेकिन ये जो चुनाव है ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, आरक्षण को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव सत्य और झूठ की है, न्याय और अन्याय की है, गरीब और अमीर की है, या फिर से अंग्रेजों के गुलाम के पास और नागपुरिया का जो कानून और जो लागू करना चाहते हैं उनके हाथों में आएगा। ये लोग कौन है सत्ता में बैठे हुए लोग, जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, देश इतिहास अगर उठा के देखोगे तो जब देश के आजादी में कोई योगदान नहीं, आप लोग देखिए क्या स्थिति बदलती जा रही, आप लोगों को पिछला चुनाव में ठगा गया कि नहीं ठगा गया, वादा किया था कि नहीं किया था कि 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार हर एक साल आप लोगों को दिया जाएगा नौजवान भाइयों को, लेकिन आज रोजगार पे कोई चर्चा नहीं होती, मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं होती, खाली मोदी जी पे चर्चा होती है, चौकीदार चाय वाला, चौकीदार चाय वाला, अरे मोदी पे नहीं मुद्दे पे हारिए, मुद्दे पे बात कीजिए कि आपकी जिंदगी बेहतर हुई है कि नहीं हुई है, हमारा देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, गरीबी मिटी है कि नहीं मिटी है, किसानों का समस्या हल हुआ है कि नहीं हुआ, नौजवानों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, ये इस बात पे बात होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा, ये मोदी जी ने जो बिहार की बोली लगाई थी पिछले चुनाव में, बोलते थे 70,000 करोड़ दू की 80,000 करोड़ दू, 80,000 करोड़ दू की 90,000 करोड़ दू, लो 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया बिहार को, हाँ मिला बिहार को कुछ पैकेज, ये कहते हैं बिहार के पैसा राज का दर्जा दिया जाएगा, पैसा राज का दर्जा नहीं मिला। आज आप देख लीजिए, आप आकलन कीजिए कि सरकार ने आपके लिए हित के लिए काम किया है या नोटबंदी से लेकर के जितना चीज था, चौकीदारी कैसी की, मोदी जी कहते चौकीदार है, ललित मोदी भाग गए पैसा लेके बैंकों को खाली करा दिया, नीरव मोदी भागे, मेहुल चौकसी भागे, विजय माल्या भागे, अब बोलते मैं हूं चौकीदार, हम तो इतना कहना चाहते हैं उनको, मोदी जी आप अपने आप को भले ही चौकीदार खुद कहो, लेकिन देश की जनता जान लीजिए, देश की जनता थानेदार है, बिहार की जनता थानेदार है, अगर चौकीदार ने गलती की है तो थानेदार सजा देने का काम करेगा, छोड़े लड़े, आप थानेदार हो और ये चौकीदारी सब अरबों करोड़ रुपए लेके भागे विदेश भागे और चौकीदार सोते रहे, हम इतना कहना चाहते हैं कि सब एक ही मोदी जी के बिरादरी का है भाग, सब मोदी के बिरादरी का भाग, और आप बात समझिए, आप लोग सब जानते हैं कि लालू जी को जेल क्यों भेजा गया, ये लोग जानते थे कि लालू जी अगर बाहर आएंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारा संविधान आरक्षण के साथ ये लोग जानते थे कि लालू जी बाहर आएंगे तो किसी दंगाइयों में हिम्मत नहीं होगी कि दंगा फसाद करा सके, भाई भाई में लड़ा सके, ये हमारे तो पलटू चाचा पलट गए, थोड़ा तो धोखा दे दिया,
ये धोखा लालू जी तो तेजस्वी तो आरजे की कमी है, ये धोखा हर बिहार के वासियों को है, बड़ा करो जनता को है। आप बताओ जिसको जनता ने काटे उसको चोर करवा दे उसको सरकार मिले। हमारे चाचा का ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई विचार है, उनका बस दो चीज है, खाली कुर्सी में रहना। लालच इतना ज्यादा है कि उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्यार, वरना बिहार का इतिहास देख लीजिए या हिंदुस्तान का इतिहास देख लो, कौन सा ऐसा राज है जहां चार साल में चार सरकारें बनी हो? जब चार साल में चार सरकारें बनेंगी तो विकास कैसे संभव है? चाचा का तो ध्यान उन्हीं के ऊपर है, अगर यही ध्यान अगर जनता पे लगा देते तो आज भला हो जाता, कभी अपना कभी उनका, इसके साथ कभी उसके साथ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं। इन्होंने क्या बोला था? यही ना बोला था, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, बोला था कि नहीं बोला था? आप बताइए, भाजपा में तो मिल गए, अब मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की। इन्होंने ठगा है, धोखा दिया है। आज जो स्थिति बनी हुई है देश में आप लोग जानते हैं, निराशा ही निराशा, हर कोई निराश है, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, हर विराश। आप देखिएगा मजदूर बचा, ये चाचा हमारे एक ही काम क्या किए, शराबबंदी करा दी, ठीक है नशा मुक्त होना चाहिए, हम तो कहते नशा मुक्त पूरे बिहार, बिहार क्या भारत में हो, लेकिन आप बताओ शराबबंदी चालू है कि नहीं? चालू है ना, होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। 200 रुपए का पहले जो बोतल देता था 1500 में मिल रहा है ना। बाकी सोचिए माफियाओं से सेटिंग कर रखे ना चाचा, जान मुझसे के बंद करा ताकि महंगा बिकेगा। आप बताओ जो 200 रुपए का बोतल मिल रहा है 1500 में मिल रहा है तो फायदा हो रहा ना कंपनी को, जो दारू बना रही है अब बाहर से आ रहा, तो जब नीतीश जी इतना बड़ा फायदा पहुंचा है तो नीतीश जी को भी तो फायदा दे रहा है, सारा खाता में जा रहा उनके। आरसीपी टैक्स आप बताइए, गरीब है तो जेल भेज रहा है, अधिकारी बड़ा बड़ा लोग अमीर पी रहा है दारू, होम डिलीवरी करा रहा है, गरीब को जेल भेज रहा है, तार का पेट पे चढ़ जाता तो गोल पकड़ के ले रहा है, तारीफ पिएगा महुआ पे बनी हुई। आप समझे नीतीश जी ने एक और बंदी करा दी, बालू बंदी करा दी। आप बताओ जो गरीब मजदूर जो है उसको रोजगार कहां से मिलेगा? भूखे बच्चा जो मरा है, घर वाले लोग इतने दिनों भूखे मरे हैं, इसका खामियाजा कौन देगा? क्यों ऐसा किया गया? आप बताइए बालू पहले सस्ता था, हाँ या ना? अब महंगा हो गया कि नहीं हो गया? तो असली माफिया कौन है? अरे महंगा मिल रहा है अब तो असली माफिया कौन है ना भाई, पहले तो सस्ता मिलता था। तो आप तो समझिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गरीबों को मारने का काम किया है, तो ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। आज हम लोगों के ऊपर मुकदमा है, साजिश है, पूरे परिवार के लोगों के केस मुकदमा करा रखा है। ये लोग सोचते थे कि लालू जी डर जाएंगे जेल जाने के बाद, लेकिन ये लोग भूल गए कि इनके गीदर भक्की से लालू जी डरने वाले नहीं, वो शेर है। तो जे लालू जी जो नहीं डर रहे भाई जेल हो जा करके, अब क्या करोगे तुम? सोचा कि बाल बच्चा पे केस मुकदमा करो, कि बाल बच्चा पे मुकदमा होगा तो लोग थोड़ा सहमेगा, लेकिन अगर मेरे मन में लालच होता, लालू जी के मन में लालच होता, अगर आपकी लड़ाई को नहीं लड़ना होता लालच होता तो हम भी भाजपा से हाथ मिला लेते, आज बिहार के मुख्यमंत्री होते, लालू जी का सारा केस मुकदमा खत्म हो जाता, क्योंकि भाजपा में चले जाएंगे तो आप राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे ना, आप उसके खिलाफ लड़ोगे तो आप जेल जाओगे, भ्रष्टाचारी हो जाओगे, है कि नहीं? चाचा जी सृजन घोटाला किए ना, पलटी मारे ना, डर गए ना, तो डरपोक थे, समझौता
क्यों करने विचार कर सकते। आज मुजफ्फरपुर बालिका गृह का केस चल रहा है, उनपे पॉक्सो कोर्ट ने सीबीआई का जांच कर दिया, लेकिन राजा बोल के है कि नहीं है हरीशर, क्योंकि बीजेपी के साथ है, नहीं थे तो डीएनए खराब था, है ना, ये केस होकर बस। तो हम लोग सोचिए, आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं लालू जी, आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और कोई सवाल ही नहीं है कि आपके विचारधारा, अपने सिद्धांत, अपने नीति से समझौता कर सकते हैं, और आपकी लड़ाई को हम छोड़ देते। लालू जी चाहते तो सारे जो समस्या है सबको खत्म करा देते अपने ऊपर जो लगी हुई है, लेकिन नहीं, सबकी समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे अपने और उनके परिवार पे कितनों समस्या है इसकी फिक्र नहीं है। आप जाने हम पे 35 मुकदमा, मेरे माँ पे मुकदमा, मेरे भाई पे मुकदमा, मेरी सात बहन है सातों बहनों पे मुकदमा, मेरे सात बहनों की शादी हो गई तो सात जीजा है तो उनपे मुकदमा, जब सात बहने है तो शादी हो गई तो आप समझे समझी या समझनो है, तो सात से अगर हिसाब की जगह तो समझे समझ 14 हुए कि नहीं हुए, उनपे भी मुकदमा, उनके समझे या समझन के रिश्तेदारों पर भी मुकदमा, और हमारे पिता को तो जेल भेजे हो, तो आप समझे हमारा क्या अपराध, मेरा क्या था, हमको तो इसलिए फंसा कि नीतीश जी को एक बहाना मिल जाए भाजपा में जाने का, नहीं तो जनता की बीच क्या जाके बोलेंगे। अब केस मुकदमा करवाए भाजपा के खिलाफ, भाजपा के थ्रू उधर से करवा रहे, भूमिका रची गई कि बोले भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी का केस कर दो, और जनता के बीच बोले कि हम नहीं रह सकते, इन लोग तो सारा साजिश किया आपके खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ, लेकिन कोई लालच नहीं, ऐसी कुर्सी अगर मुख्यमंत्री का हमको पद मिलेगा जहाँ पर विचार से समझौता करना पड़े और आपकी लड़ाई को हम छोड़ दें, गरीबों की लड़ाई को छोड़ दें, तो 100 बार भी मुख्यमंत्री के पद को हम लात मारने को तैयार है, लेकिन आपके लड़ाई को हम लोग जो है लड़ने का काम करेंगे और अपने मंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहेंगे क्योंकि समय कम है, हम जनता की अदालत में आए, जनता की अदालत में ना तो सुनवाई होती है ना तो तारीख पे होता है, सीधे फैसला होता है, उसका फैसला आप लोगों को करना है, अब बात समझ जाएगा, मैं चुनाव आ रहा है, भाजपा के लोगों ने वादा पूरा नहीं किया तो फिर से दंगा फसाद करा करके, भाई भाई में लड़ा करके, नफरत फैला करके, जहर भर करके जो है अपनी राजनीति को चंद फायदों के लिए, खून लोगों का होता है दंगा फसाद, इससे बचने की जरूरत है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, एक चुटकुला चला हुआ था कि राम जी को हिचकी आता है स्वर्ग में तो सीता मैया पुत्री प्रभु क्या हुआ, तो प्रभु राम जवाब देते हैं कि लगता है चुनाव पास में बीजेपी याद कर रही है। तो आप लोग इससे तो कहने रहिएगा, इस देश की आजादी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका खून बहा है, सींचने का काम किया, तो इसलिए हम आप लोगों से आशीर्वाद देते, आशीर्वाद है ना, हाथ उठा कर के दीजिए, और एक नारा लगाइए, लगाइए ना जोर से लगाइए ना, पीछे के लोग जितने लोग हैं उधर, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ तो आप बोलना देश बचाओ, पक्का भाजपा भगाओ, दोनों हाथ उठा करके पीछे से भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ तो आप बोलना आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ, एक पट्टू चाचा के लिए ये बार जोरदार होना चाहिए, पीछे के लोग ठंडे पड़े हुए हैं, लगता है मोदी जी से हमको रोजगार मिल जाए, मिला है तो पूरा हाथ उठा करके बोलिएगा, हम बोलेंगे पलटू चाचा भगाओ तो आप बोलेगा बिहार बचाओ, ठीक ना, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, बिहार बचाओ, तो आपकी अनुमति हो तो गुल्लू मंडल जी को माला माला।